श्याम जी के अनजाने रहस्य। नंबर एक, खाटू श्याम अर्थात माँ स्वयं पराजित, अर्थात जो हारे हुए हैं और निराश लोगों को सबल प्रदान करता है। नंबर दो, खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। नंबर तीन, खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर चार, खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक इन सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। खाटू श्याम मंदिर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल पष्टी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। नंबर 6, बरबरिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बरबरिक अजेय थे। नंबर 7, बरबरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। नंबर 8, कहते हैं कि जब बरबरिक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बरबरिक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। नंबर 9, शीश दान से पहले बरबरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। नंबर 10, युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बरबरिक का शीश ही कर सकता है। तब बरबरिक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। नंबर 10, अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। नंबर 11, सपन दर्शन प्रांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगा।